ओके गाइस, कल थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू हो गया था, उसकी वजह से स्ट्रीम आधी अधूरी हमको छोड़नी पड़ी। ठीक है, पर आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आज भी बूम बाम करेंगे हम बहुत सारा T1 में। हम एक बार फटाफट स्ट्रीम लिंक डाल देते हैं IDP ग्रुप में। ठीक है, डिस्कॉर्ड का यार नोटिफिकेशन नहीं जाता, जब भी मैं PC से स्ट्रीम करता हूँ डिस्कॉर्ड का नोटिफिकेशन नहीं जाता है, कुछ इश्यू है प्रॉबेबली। चलो स्ट्रीम लिंक तो शेयर कर दिए सब जगह पे, डिस्कॉर्ड पे बस अभी डालना बाकी है। डिस्कॉर्ड का नोटिफिकेशन बहुत लेट आता है यार आजकल, बहुत लेट आता है डिस्कॉर्ड। 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा आ गया है, चलो सही है। हमको नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया अभी? हेलो नो, हेलो हेलो हेलो, मैं लियो दास गेमिंग, हम भी खेल सकते हैं क्या? यस एब्सोल्युटली आप खेल सकते हो, किसने मना किया है? डिस्कॉर्ड आओ, अपने अपना वो दिखाओ, अचीवमेंट्स वेरीफाई होंगे, अचीवमेंट्स अगर मैच होंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करो, बुम बाम, ये लो डिस्कॉर्ड लिंक पर चाहिए तो डाल रहे हैं हम चैट में। ठीक है, ज्वाइन करो रेवनक्लॉ स्पोर्ट्स। चार बंदों ने अनसब्सक्राइब किया आज, वाह भाई। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ये लो। और डिस्क्रिप्शन में भी एक डिस्कॉर्ड लिंक है, वो भी ज्वाइन करना ज़रूर। अरे हम एक बार स्लॉट लिस्ट एडिट करना भूल गए, स्लॉट लिस्ट फटाफट एडिट कर देते हैं। एक मिनट गाइस रुकना। चलो चलो हो गया। वेरी वेरी वेलकम टू स्ट्रीम गाइस। कौन कौन है चैट में? पोरस, हेलो हेलो, बिग फैन, वाह पोरस, ठीक है पोरस, ठीक है। ओ भाई आज डिफरेंट आईडी से, ओ भाई आज रॉप, हमको ये चीज समझ नहीं आती, पता है? क्लासिक खेलने आते हो तुम, कस्टम खेलने नहीं आते भाई, बोलते हो फिर कॉलेज आ जाता है बीच में, दिन दिन भर क्लासिक खेलते हो, पता है? अपने बंदे
वाह भाई, श्रेयांश को क्या क्या मिल रहा है भाई। श्रेयांश को पैन हेलमेट, पुष्प को M4, विनय को बैग, पंकज को भी ये मिला, रोमियो को देख, विनय को बाइक मिला, इसको बैग मिला, इसको बैग, तुझे भी बैग मिला। वाह पोरस, ये क्या है, हेडगेयर भी मिला। वाह ओ भाई, पिनो क्यों मिल गया तुझे भाई। सही है भाई, बैग भी मिला है भाई, मुझे ही कुछ घंटा नहीं मिलता। दो क्लासिक क्रेट है, चलो क्या है यहाँ पे। M4 M4 M4, नहीं मिट्टी कपड़ा मस्त लग रहा है, नहीं चाहिए पर ये M4 और हेलमेट मस्त है। अरे इसका तो कचरे जैसा स्किन पड़ा है भाई, ये क्या करूँ मैं। ये देखो, इतना स्किन इसका ऑलरेडी पड़ा हुआ है। चलो गाइस सही है, आईडीपी वगैरह अपना देने वाला बंदा आ चुका है, तो अभी हम फटाफट ना डिस्कॉर्ड लीव करते हैं। अच्छा रिग्दे और किशन बैठे हैं, विवेक नहीं आए अभी तक। चल ठीक है, विवेक आ गया तो फिर भी टेंशन की बात नहीं है। हेलो रिक, हाँ विवेक आ रहा है, रूम वूम बना के रखना, ठीक है हम चलते हैं। कितने बजे मैच है? मैच आईडीबी आएगा 5:30 को और चालू होगा 5:40 के आसपास, फुल टाइम पास तक। टेंशन, तू निकल गया क्या ऑफिस से? चेक टीडीएम खेलता हूँ वैसे भी, हक नहीं है उसके अंदर तो क्या ही करे। भाई पीसी में जितना एफपीएस उतना फोन पे आ जाए ना भाई, हर मैच चिकन डिनर निकालूंगा हर मैच। और फोन पे जैसे खेलना आता है वैसे अगर पीसी पे आ गया ना खेलना, तो भी हर मैच चिकन निकलेगा वहां कसम। This is a simulation game set in a पर virtual world ये and एमुलेटर है does ना, not represent real life. ये एमुलेटर Please play से in moderation. Take frequent पता नहीं breaks चलता and है play responsibly. कि Team match, let's go. ये एमुलेटर से पता नहीं चलता है कि अपन एमुलेटर से है, फुल स्कैम। अरे ये क्या चला रहा भाई, मैं अरे यार पीछे वाले ने भर दिया, तू हग्गू है। अरे अरे आज सुबह पता है क्या सीन हुआ, मैं आज सुबह ये सीन हुआ कि
कि अपने दोनों टीम एक ही ग्रुप में आ गए। अपने दोनों टीम एक ही ग्रुप में आ गया तो वो इतना लफड़ा हो गया था ना। वो लफड़ा इतना हो गया ना, फिर वो वीसी वीसी जाके सब क्लियर करवाना पड़ा, समझ रहे हैं? वीसी जाके फिर स्लॉट चेंज करवाया, फिर सही टाइमिंग वाला स्लॉट, फिर एक स्लॉट मिल गया अपन को 10:30 वाला। एक बंदे को अपना ग्रुप चाहिए था, फिर जाके तब बात बनी, और उस सब चक्कर में रजिस्ट्रेशन निकल गए। भाई माँ कसम, गलत भाई गलत। ओह वेरी बैड। अरे यार रीलोड क्यों मारता हूँ मैं यार, हमेशा हमेशा जब भी ई दबाना होता है रीलोड दब जाता है मेरे से। खेलिया भाई लौंडा खेलिया। भाई फिर से रिलोडिंग आ गया भाई। अरे कौन कॉल कर रहा है मुझे यार? अरे ये भाई 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 यार किलिंग स्प्री फॉर द रेड टीम। ओ भाई जीत जाएंगे लौंडे, जीत जाएंगे, ऐसा फीलिंग आ रहा है लोग जीत जाएंगे। हाफ ऑफ द मैच इज ओवर एंड द ब्लू टीम। भाई क्यों ब्लू टीम? भाई भाई मां कसम भाई भाई लोग वाह, पहली बार एमवीपी आ गया भाई, सही है। जीत सीख रहे थे खेलने एमुलेटर से। चलो अभी कॉम्पी एमुलेटर लेके जाएंगे हम कि मस्ती कर रहा हूँ गाइस, ऐसा वैसा मत समझना। रॉयल पास नहीं थे नाम को
एक कलेक्टर राइटर बहुत मस्त है, यूनिक डिस्टिनी चाहिए बस, 6,000 पॉइंट्स को मिलेगी यूनिक डिस्टिनी। अचीवमेंट्स थोड़ा अभी कंप्लीट करना पड़ेगा देख देख के। ऑन मिशन कब मिलेगा? एसल्ट मास्टरी, शॉटगन मास्टरी नहीं हुआ माँ कसम, मैली भी नहीं हुआ। एसएमजी, ये थोड़ा मैं एसएमजी यूज करना पड़ेगा अभी। शॉटगन मास्टरी के लिए रुको, शॉटगन मास्टरी किसके अंदर है भाई? नहीं तो वेटन का है, वेटन के लिए एक चाहिए और क्लिक क्यों नहीं हो रहा इसके ऊपर? अंटिल डाउन इसके अंदर भी नहीं है, मास्टरी का कहाँ पे होता है रे? अंटिल मास्टरी कंप्लीट करना पड़ेगा, यूनिक डेस्टिनी अपने आप आ जाएगा। सीरीज देखना पड़ेगा रे, ये भाई मैंने ये क्यों नहीं खोला भाई अभी तक, इसमें क्या क्या मिल रहा है भाई माँ कसम। अरे 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 ये इतना कब गया भाई मैं? यार 20 ओके चले, लड़की मस्त है, इसको कपड़े नहीं ना पहना सकते। अरे यार चलो इसको यूज करेंगे थोड़ी देर। स्कारल का स्किन जान दो, ऑर्नामेंट मिला है ना अपन को, ऑर्नामेंट कहाँ पे होता है यार? बैग जी यहाँ पे ऑर्नामेंट, सही है भाई। अब तो 2-2 है, ये मस्त लग रहा है, ये मस्त लग रहा है। आईडीपी आ गया है, 5:40 का स्टार्ट है। भाई 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 भाई, चलो कहाँ गया हमारा रिमोट? चलो रिमोट कनेक्टेड, चलो आईडी भी डालते हैं हम फटाफट। ठीक है गाइम्स,
अरे हाँ, एक इम्पोर्टेंट काम हमको करना था। चलो इस फटाफट रूम ज्वाइन कर लो, ठीक है? हम भी घुस चुके हैं रूम के अंदर। अरे डेक्स मारेगी तो बढ़िया कमेंट्री कर लेना ब्रो, फाड़ देना, थोड़ी क्लिप मिल जाएगी। और अगर हम मर गए तो कुछ बोल, ठीक है दरबार, ठीक है, नो वरी। ओके, तो जिस जिस को जो जो ड्रॉप प्रोवाइड कर दिया है वहाँ जाना है, ठीक है? अरे तुमको 20वें स्लॉट किसने दिया, विवेक ने दिया क्या? चलो सही है गाइस, फटाफट आ जाओ, ठीक है? टीम 18 अभी तक नहीं है, 19 नहीं है, 21 नहीं है, भाई सबके सब पेड स्लॉट है, इन लोग को कुछ बोल भी नहीं सकते। W का सोलो प्लेयर आया है। ओके, रजिस्टर्ड सबके सब बंदे आ चुके हैं, आ जाओ चलो फटाफट, फटाफट गाइस फटाफट रूम ज्वाइन करो। रेड एक्स कौन से स्लॉट में बैठी है भाई? रेड एक्स टीरेक्स के सब कैसे बैठ गई भाई? हेलो, ये क्या सीन है? एक्सप्लेन अस प्लीज। ओके, ये के तुम तो यहाँ पे हो, ये दो बंदे रेडेक्स तुम्हारे वाले रेडेक्स के नहीं है क्या? प्लेस ऑन डैमेज 100 सेकेंड का किया है ना, मतलब 1.5 मिनट का है, ठीक है ना? और कितना चाहिए गाइस? 1 मिनट 40 सेकेंड का क्लासिक में कितना होता है? 1 मिनट 2 मिनट का होता है भाई, इतना तो नहीं यार, अब तो इतना 1 मिनट 40 सेकेंड कर दिया भाई। ऑफिशियल टूर्नामेंट में कितना होता है? 1 मिनट 20 सेकेंड का होता है। स्लॉट 7 रिंगल कौन है अभी? अच्छा रिमूव है, अच्छा हाँ रिंगल को रिमूव करना है, क्यों भाई?
वाह मैच स्टार्ट हो गया है। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation. Take frequent breaks and play responsibly. चलो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 का दो ही बंदे आए, 19 20 21 22 23 24 25 आए जी। टीम 18 के दो बंदे आए, टीम 18 को मिलेगा 2 4 दिन का बैन अभी। कर दिया क्या रिंगल को किक? हाँ कर दिए कर दिए। अरे ओके गाइस, सो लेट्स सी अभी कहाँ कहाँ पे बंदे जाते हैं। 2 4 दिनों बाद एक्चुअली हम भी कास्टिंग कर रहे हैं, तो और प्लेन पाथ की बात करें तो बहुत ही बढ़िया जो है प्लेन पाथ हमको दिखाई दे रहा है। और एक मिनट, ओके ओके, ड्रॉप फ्लैश यहाँ पे बहुत कम होंगे आज बंदों के। लेट्स सी सब टीम, सबकी सब टीम हमने जहाँ बोला है वहाँ पे अगर नहीं गए ना तो तुम लोग देखना, पहले ही बता रहे हैं। ओके गाइस एक मिनट रुक जाओ, ये ग्लिच जो है ये सबके साथ होता है, ठीक है। विक्रम भाई सही, भाई सही है तुम्हारा तो। रूम मेकर रूम से किक कर दे रहा। अरे आप आपको किक करने आपके टीममेट ने बोला है, आप रिंगल हो ना, रिंगल ही हो ना आप। एक मिनट रिंगल हो ना, रिंगल आपके टीममेट ने ही आपको किक करने बोला है, ठीक है क्वेरीज ग्रुप में। ये पहुंची की मैं तीसरी टीम कहां से आ गई अभी? वेल लेट्स सी, यहाँ पे आते ही दो बंदे जो है फिनिश हो चुके हैं। बात करेंगे हम तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 3 टीमें, कितनी टीमें उतरी है, टीम 3 टीम 14 एंड टीम 20। एक मिनट ओके हम बात करते हैं, नॉट बुचर्स की टीम है और यहाँ पे अल्ट्रा शूटर इनकी टीम है। अल्ट्रा एक्स को यहाँ पे जो है नॉक कर दिया है जरूर। लेट्स सी अभी क्या होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे दो बंदों के किल्स तो इन्होंने लिया है, डेक्स्टर और यहाँ पे, पर इनके सामने की साइड जो है नॉट बुचर्स की भी टीम है, तो कहीं ना कहीं इनको दिक्कत है वहाँ पे होने वाले। बात करेंगे हम टीम 20 की, तो टीम 20 के आते ही जो है दो दो बंदे इनके फिनिश हो चुके हैं। बात करेंगे हम, एक मिनट,
ओके बात करें तो हम यहाँ पे टीम 9 वर्सेस टीम 10 के बीच में भी हमको फाइट देखने मिल सकता है। एक बंदा इनका ऑलरेडी फिनिश है, एक बंदा वहाँ पे 1 HP बच रहा है जो कि जोकर। ओके हील तो कर ले यहाँ पे, सामने की साइड ऊपर की साइड है टीम 9 और भाई उनकी कहीं ना कहीं आजू बाजू वहाँ पे टीम 18 भी जो है हमको यहाँ पे दिखाई जरूर दे सकती है। ओके शायद से यहाँ पे फाइट सिचुएशन ऑलमोस्ट टीम 10, यस टीम 10 यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। बात करेंगे हम टीम 9 की तो आते ही जो है 4 किल्स अपने नाम कर लिए। चलेंगे थोड़ा सा कंटेनर्स पे, तो कंटेनर्स में वहाँ पे टीम 10 है। उसके बाद हम यासना में चलेंगे तो यासना में भी वहाँ पे जो है एक टीम 17 है, टीम 4 है। एक मिनट भाई, दो दो टीमें यहाँ पे। बात करेंगे हम टीम 22 की तो यासना के बाजू वाला साइड पूरा पूरा स्प्लिट यहाँ पे ले रखे हैं। टीम 8 की बात करें तो टीम 8 भी जो है लिपो का पे उतर रखी है। उसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा मिल्टा में, एक भी टीम नई की बात करेंगे हम टीम 15 जो कि ओके चलो सही है। वो तो फिलहाल के लिए जो है गाइस, फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं कि जो है पोचिंगी के अंदर ही जो है फाइट सिचुएशन पूरा का पूरा टीम इलेवन कहा गया है। टीम इलेवन, एक मिनट, टीम इलेवन आया नहीं शायद। अच्छा है टीम इलेवन, एक मिनट रुको। टीम इलेवन भाई, टीम इलेवन इतना स्प्लिट कैसे ले लिया भाई टीम इलेवन? हाँ ठीक है चलो सही है सही है सही है। टीम इलेवन का ड्रॉप है फार्म स्प्लिट, उन्होंने फार्म स्प्लिट दिया है। ओके हम चलेंगे अगेन जो है टीम 20 के पास। तो टैग ई स्पोर्ट्स, ये RVNC का स्लॉट है और यहाँ पे टैग ई स्पोर्ट्स कैसे खेलने आगे वो हमको नहीं पता है। ठीक है जो भी हम बात करें तो टीम 14 यहाँ पे रश कर रही है इंस्टेंटली नॉट टू सिर्फ, हमेशा इस साइड से हमेशा जो है यहाँ पे क्लच कर देते हैं जरूर। माही को वहाँ पे नॉक कर देगी और राशेश पीछे बैकअप देने के लिए जरूर मौजूद है। शायद से वहाँ पे फिनिश होंगे नहीं, और वहाँ पे बंदा आ रहा है, स्प्रे जेन आ रहा है, उस साइड से कंटिन्यूसली कवर वहाँ पे है। एक और बंदा स्काई को भी वहाँ पे नॉक कर दिया है। बात करेंगे उस साइड से कवर फायर जरूर है, एक बंदे को राशेश ने नॉक कर दिया, ऊपर से दूसरा भी बंदा। यस यहाँ पे टैग स्पोर्ट्स पूरी तरीके से फिनिश हो चुके हैं और कभी भी यहाँ पे टीम 3 रश जरूर कर सकती है। पर ड्रैको का वहाँ पे पीछे से बहुत बढ़िया जो है बैकअप था अपने टीममेट को वहाँ पे रिवाइव देंगे, पर अभी इस साइड में कोई भी बैकअप देने के लिए नहीं है। टीम अल्ट्रा की बात कर रहे हो, टीम अल्ट्रा कभी भी यहाँ पे रश जरूर कर सकती है स्लॉट 7। श्योर गाइस श्योर, वेट अ मिनट। ओके तो हियर इज रेड एक्स की टीम, टाइपान हाइपर्स और बात करिए हम पैंथर भी है, टाइपान भी है, ब्रिज पे है, नोर अपने गए थे, उसके हम बात करें 7HW भी तो गए थे जो मिलिट्री बेस में अपने अपने ड्रॉप्स पे सारे की सारी टीमें। पर टीम 10 जिन्होंने थोड़ा सा रूल ब्रेक किया तो उनको तो अभी परमानेंट बैन मिलेगा भाई। अगर टीम 10 से कोई देख रहा है क्या नाम है ब्रो आपकी टीम का, ब्लेड स्पोर्ट्स, आपको परमानेंट बैन मिलेगा। ओके चलेंगे थोड़ा सा टीम 17 के पास। तो अरे टीम 17 के पास जा रहे थे भाई, हम यहाँ पे कहाँ पे आ गए? ओके टीम 23 वर्सेस जो है टीम 17 का हमको फाइट सिचुएशन देखने मिल सकता है। और टीम 17 वर्सेस टीम 12 के बीच में भी जो है फाइट चल रहा है। एक मिनट चलेंगे थोड़ा सा जूम इन करेंगे, टीम 12 के पास चलेंगे तो यहाँ पे टीम 17 को थोड़ा सा दिक्कत में दिख रही है टीम 17, क्योंकि एक बंदा फिनिश हो चुका है, एक बंदा नॉक हो चुका है और टीम 23 वहाँ पे शायद से पीछे से नई रश तो नहीं कर रही। टीम 17 वहाँ से निकल रही थी, पर यहाँ पे क्रिश को जल्दी से जल्दी आके अपने टीममेट्स को वहाँ पे रिवाइव देना पड़ेगा, क्योंकि टीम 12 जो है कभी भी यहाँ पे रश कर सकती है। दिक्कत वहाँ पे भाई, स्लॉट देना क्या फ़ायदा फिर जब दूसरी टीम खेलेगी तो वो नहीं पता हमको। पेड स्लॉट में एवेंजर्स के पेड स्लॉट में कोई और टीम खेल रही है, अब एवेंजर्स नहीं आ रहे इनके तो वो स्लॉट किसी को पेड स्लॉट दिया रहे होगा प्रॉबेबली, वो सब देख देखते भाई हम नहीं देखते।
ओके नॉट बुचर्स यहाँ पे फाइनली एक टीम को फिनिश करा है, आरवीएनसी की टीम को फिनिश करा और इंस्टेंटली यहाँ पे और दो बंदे मेरे ख्याल से लिए हैं टीम अल्ट्रा की बात करेंगे हम। टीम अल्ट्रा यहाँ पे कुछ नॉट बुचर्स यहाँ पे फ्री फायर में स्काई को बहुत बढ़िया नॉक दिया है, बहुत ही बढ़िया अल्ट्रा डेक्सकर की तरफ से एक फ्री फायर, एक और इंस्टेंटली वहाँ पे मॉली फेंका गया क्योंकि अपना किल सिक्योर करना चाहते हैं। बात करेंगे हम तो राशेश यहाँ पे पीछे साइड रिवर दे देंगे, उस साइड में माही वहाँ पे और ड्रैको दोनों के दोनों बंदे फाइट लेने के लिए रेडी है। ऊपर में आखिरी बंदा जो है ऑक्स्टर यहाँ पे बचे हुए, एक बंदा दूसरी साइड में जो है घर के ऊपर एंगल बनाने गया और यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया एंगल एक्चुअली में बनता है और जो कि बनेगा। ओके बंदा पीछे थोड़ा सा खिसक गया, होशियार बंदा है, पीछे जाके खड़े रह गया और नहीं यहाँ पे एंगल बना लिया है ट्रैको ने और फिनिश कर दिया। किल्स की बात करें तो 6 किल्स यहाँ पे मैसिव 16 किल्स नॉट बुचर्स को मिलेंगे ज़रूर। ओके तो लॉबी यहाँ पे 60 बंदों की लॉबी यहाँ पे है, अभी भी 17 टीमें हैं और भाई क्या ही एक सेंटर टीमों ने पकड़ा हुआ है, सारी की सारी टीमें वहाँ पे सेंटर के छोटे छोटे कंपाउंड्स, किसी ने ब्रिज पकड़ा है तो किसी ने पेट्रोल पंप पकड़ा है, किसी अभी तक कोई भी अपने ड्रॉप से भी नहीं निकले है। सेवर्नी की बात करो, सेवर्नी कोई भी टीम नहीं गई थी आज, पर यहाँ पे बहुत सारे बंदे अभी जो है रोटेशन जरूर आने वाला है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम 13 और टीम 8 के बीच में हमको यहाँ पे एक रोटेशन जरूर देखने मिल सकता है। भाई सही नहीं है बट ना हमारे प्लेयर अपने आने दिए, उनकी वजह से बेटर यही है स्लॉट मत दिया करो, खेलो भाई तुम अपना टीम। नहीं नहीं विक्रम सिंह भैया क्या हुआ वो हमको हमको समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हो, आपको किक किया आपने, आपके टीममेट है ना, एक मिनट अभी रुक जाओ, अगर आपका नाम कहाँ गया, हाँ अगर आपका नाम रिंगल है तो आपका ही बंदा क्या नाम है इनका, इनका नंबर मेरे पे सेव है टीरेक्स ऑफिशियल करके, मैंने इनका नंबर सेव करके रखा है, एक मिनट। अंश, अंश ने बोला एक्वेरी लिस्ट में इनको किक करो, मैं उनसे पूछा आपका ही बंदा किक करना है तो बोले हाँ करना है। ओके यहाँ पे फाइट होते हुए हमको देखने मिल सकता है टीम 8 वर्सेस DS4 की टीम है वर्सेस यहाँ पे SXT की टीम 8 वर्सेस टीम, और भाई ओमेगा ने एक बहुत ही बढ़िया नॉक अपने टीम के लिए निकाला है, एक और नेड यहाँ पे फेंकने की कोशिश, पर वहाँ पे जो है यासिर जरूर मौजूद रहेंगे, यासिर को भी नॉक दे सकते थे पर यहाँ पे एक फाइट सिचुएशन होते हुए हमको देखने मिल सकता है, एक बंदा इनका नॉक है तो एक बंदा SXT स्पोर्ट्स का भी नॉक है, पर रिवाइव दोनों को मिल सकते हैं, यासिर को जल्द से जल्द अपने टीममेट को वहाँ पे रिवाइव देना पड़ेगा। बात करेंगे ओमेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग कर चुके हैं, एक नेड करना वहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है और नेड यहाँ पे खींचा जाएगा जरूर, पर यासिर उस साइड से नेड इन्होंने भी कुक किया है जरूर, फेंकेंगे नॉक निकालना चाहते हैं पर गलत जगह नेड फेंका है। बात करेंगे हम ओमेगा की तो थोड़ा सा ही डैमेज हुए, स्मोक कर रहे हैं अपने ऊपर, इस साइड में भी पूरा पूरा नेड फेंकेंगे पर यहाँ पे मुझे देखने मिल रहा है अभी तक प्रबल को नॉक नहीं किया जा, प्रबल को रिवाइव नहीं दे पाया क्योंकि बंदे वहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग कर गए थे इस साइड में थोड़ा सा। ओके प्लाज्मा थे जरूर पर सामने की साइड से टीम 18 पूरा पूरा टीम 8 पूरा पूरा रश करने कंटिन्यू करो आपने कास्टिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू विक्रम भैया, थैंक यू। अगर हम बात करें तो SXT यहाँ पे पूरा पूरा क्लोजिंग, टीम 8 का बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग क्योंकि एंट्री निकाली थी SXT ने जरूर पर यहाँ पे उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। बात करेंगे हम फाइट का सिचुएशन तो क्लियर हो चुका है, 3 किल यहाँ पे, ओके 4 किल टोटल टीममेट को जरूर मिलेंगे पर जो है अपना एक टीममेट इन्होंने है जो है खो दिया है। हम बात करेंगे जोन यहाँ पे पूरा पूरा शिफ्ट हो चुका है भाई, कॉम्पिटेटिव जो है एक चीज़ हम बोल सकते हैं वो यहाँ पे हमको साफ साफ नज़र आ सकती है कि कितनी सारी टीमें जो है टीम 16 टीमें और 53 बंदे गई, किस महापुरुष ने आज का स्लॉट लिस्ट बनाया गाइस, एक बार उसको जाके थैंक यू बोल दो यार, ठीक है यहाँ इस चैट में भी थैंक यू लिख सकते हो आप, वैसे मैंने ही बनाई है। ओके अब बात करेंगे टीरेक्स ऑफिशियल तो एक बंदा इनका भी फिनिश हो चुका है पर अभी तक जो है ज़्यादा किल्स उतने नहीं आए और जोन यहाँ पे पूरा पूरा कट चुका है। बात करेंगे हम थोड़ा सा चलेंगे टीम 15 के पास तो इनके भी दो बंदे फिनिश हो चुके हैं क्योंकि इनके ऊपर कॉन्टिन्यूसली वाले
नंबर पे कर दे तो ना अभी लॉबी करूंगा। चलो अभी आ चुका है लाइट, वापस आ चुका है, ठीक है एक बार रिफ्रेश कर लो। जल्दी कर भाई मेरा क्लास चालू है। हेलो पराग आ रहे यार, हेलो 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 गाइस रिफ्रेश कर लो। चलो इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है ठीक है। अरे जरूरी है बूम बम पेलेंगे अभी फिर से हम लोग। या वो कोई अपना बंदा नहीं, वो कोई दूसरा बंदा है ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे साला बोल देगा। अरे क्या मत, अच्छा ठीक है रुक क्या बोल दिया मतलब। ओ हेलो स्ट्रीम पे जा रही है आवाज तो भाई आप क्यों आ रहे हो। अरे ठीक है चलो अब डिस्कनेक्ट कर रहे हैं भाई। मैं भाई रिमोट काहे नहीं हमारा कनेक्ट हो रहा है अभी। कनेक्शन फेलियर, अरे हाँ वाईफाई से, सेम वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है ना हम। चलो हो गए सेम वाईफाई से कनेक्टेड। ओके सॉरी थोड़ा सा हो गया था, रुको अभी। अरे ये रुद्रा कहाँ चला गया, आज ही करना था क्या 7-8 का अभी भाई। चलो हम चलते फिर स्ट्रीम पे। हाँ कर दे चालू कर दे। चलो विवेक भाई बाय बाय। हो भाई 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 वेलकम, वेरी 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 वेलकम टू द स्ट्रीम गाइज। तो ठीक है थोड़ा सा लास्ट मैच इशू हो गया था इलेक्ट्रिसिटी का, पर लेट्स सी थोड़े दिन अभी बात है। सिमुलेशन गेम सेट इन अ वर्चुअल वर्ल्ड एंड डज नॉट रिप्रेजेंट रियल लाइफ। नहीं आएंगे, प्लीज प्ले इन मॉडरेशन, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स एंड प्ले रिस्पांसिबली। ओके तो यहाँ पे हमारी लॉबी आ चुकी है वापस ठीक है। भाई ओके चलो गाइस लास्ट मैच जो है चिकन डिनर टीम 4 ने लिया था, जो कि रेड एक्स ऑफिशियल की टीम है। यहाँ पे दर्पण वाईटी हमारे हैं, ब्लेज है, स्टार्क फॉर द विन है, इन्होंने एक बहुत बढ़िया चिकन डिनर लिया था। पर इश्यूज के कारण, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज के कारण जो है हम को थोड़ा सा स्ट्रीम पॉज करके पीसी बंद करना पड़ा ठीक है। तो लेट्स सी अभी कहाँ कहाँ बंदे जा रहे हैं। चुम्मा सेरा पे वहाँ पे एक ही टीम है, फिर भी एक और टीम वहाँ पे जो है रिक्वेस्ट करके जा रही है, हमने उनको अप्रूव नहीं दिया फिर भी जा रहे हैं। ओके एक मिनट पावर ग्रिड में यहाँ पे दो टीमें कहाँ से आ गए, टीम लाइट और टीम 10 पावर ग्रिड में क्या कर रही है भाई।
वेद एक्चुअली ना ओके अनदर ओके साइज बात करें हम पावर ग्रिड वाली छोटी सी जगह पे भी ड्रॉप एक ही टीम को ड्रॉप दिया था हमने टीम लाइट को यहाँ पे एक और टीम उतर रखी है ठीक है टीम 10 तो इनको पहले लास्ट मैच में बैन मिला है फिर भी ये मैच इनको मैंने अलाउ करा खेलने के लिए ठीक है तो फिर भी इन्होंने फिर से गलत ड्रॉप पे उतर रखे हैं तो इनका भी बैन ड्यूरेशन बढ़ेगा तो आप लोग देखिए अभी क्या करना है ठीक है हम कुछ नहीं कहेंगे सात लोग देख रहे हैं क्या करना है इन लोग का बोल लिए बैन बढ़ाना है या फिर जितने दिन का हमने दिया है उतना ही रखना है ओके बात करेंगे लाखों उपरिया में भी वहां पे या दो दो स्क्वाड उतर रखी है टीम 8 है यहाँ पे और टीम 8 के सामने ही टीम 16 है एक मिनट पर बड़ा ड्रॉप है इसीलिए जो है दिक्कत की बात नहीं है उतनी बंदी फाइट लेके जो है फॉल बैक भी कर सकते हैं चलेंगे लॉस लियोनीज में तो लॉस लियोनीज में भी दो दो टीमें उतर रखी है टीम 19 है यहाँ पे और टीम 17 है इनके बीच में हमको अर्ली फाइट सिचुएशन जरूर देखने मिल सकते हैं और गाइस एक मिनट गाइस फर्स्ट जोन एलिमिनेशन ना करना गाइस ठीक है हम सिर्फ रूल्स का पालन करते हैं रूल्स जिसने बनाया उसने भाई बनाया उसको हमको फॉलो करना पड़ता है ठीक है अब बात करेंगे हम टी जैन की टीम है यहाँ पे और उसके बाद INV e-sports की टीम है टीम 19 वर्सेस टीम 17 यहाँ पे रश पोजीशन जरूर है इनका पुश कर रहे हैं वहाँ पे कि दो बंदों को एक बंदे को ऑलरेडी गाटो को यहाँ पे फिनिश कर लिया ऑलरेडी कि गाटो जो है यहाँ पे अपनी टीम के टी जैन के जो है हमेशा एक मेन एसल्टर बोल सकते हैं या फिर एक लीडर बोल सकते हैं क्योंकि हमेशा किल्स निकालते हुए एंट्री निकालते हुए दिखते हैं अपनी टीम के लिए पर यहाँ पे टीम 17 अलग अलग जगहों पे एंगल्स वहाँ पे लेके बैठी हुई है कि भाई सामने वाली बिल्डिंग में टी जैन के बंदे अगर टिप भी ले सॉरी और कितनी देर चालू रहेगा आधा घंटा ये मैच खत्म होते स्ट्रीम खत्म हम बात करेंगे टीजर आज एक्चुअली सीन हुआ थोड़ा सा मैं बताऊंगा VCR के VCR जाना थोड़ी देर बाद आधा पौने घंटे में उसकी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया अपना पर ठीक है वो सीन इम्पोर्टेंट था वो हो गया सॉर्ट बात करेंगे हम थोड़ा सा कि टीजर वर्सेस यहाँ पे INV की तो INV की टीम को हम जो है बहुत दिनों बाद आज खेलते हुए देखने मिले प्रॉब्ली इनको बैन वैन मिला हुआ और बहुत दिनों बाद आज जॉनी को यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश जरूर की थी और उनके ऊपर में ही बंदा कूदा जॉनी ने इंस्टेंटली एक बंदे को नॉक दे दिया और क्या यहाँ पे एक 1v2 होगा नहीं यहाँ पे 1v2 नहीं टीम 17 के तीन तीन बंदे डायरेक्ट उतर गए और यहाँ पे रोजी ने एक नॉक जरूर दिया था भाई यहाँ पे एक और बंदा फैंटम यहाँ पे भाई मुझे थोड़ा सा आवाज गेम साउंड थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी गाइस बहुत ज्यादा उधर से आ गया घूम के ओके गेम साउंड मैंने ऑलरेडी कम ही कर दिया पर मैंने गेम साउंड मेरे कानों वाला कम नहीं किया था ठीक है तो एक बंदे को रोजी ने जो है एक बंदे को इंस्टेंटली नॉक फिनिश कर दिया और जो है एक बंदे का आवाज आ रहा है हमको जॉनी का आवाज आ रहा है प्रोबेबली ठीक है अच्छा जॉनी का नहीं ग्लॉकी का आवाज है दरवाजे पे ग्लॉकी थे रोजी यहाँ पे अकेला बंदा दो बंदों के ऊपर चढ़ गए और ड्रॉप शॉट दिया वहाँ पे और फैंटम इंस्टेंटली एक जिगल मूवमेंट ओके ब्रो कौन सा VC आना है लीनू तुम्हें नहीं बुलाया है मैंने अरे उसका नहीं को बुलाया उसको पता नहीं तो वो आ जाए तुम लिए मुझे VC में उसको क्रॉस ना करने तुम उधर नीचे से आ गया साइड तुम रुके तुमने VC में लिया मुझे मैं कुछ दिखाने वाला था तब नहीं लिया ना मैं भी नहीं लेगा फुल सैवेज जान दो वैसे भी तुमको सरप्राइज देने वाला था वो तो अभी मिलेगा नहीं सरप्राइज ओके चलेंगे हम लाखोपुरिया में यहाँ पे तो एक टीम फर्स्ट जोन है एक ही टीम अभी तक मेरे ख्याल से एक ही टीम मरा है राइट एक ही टीम ओके टीम लाइट फिनिश हो चुके हैं एक मिनट
ओके सॉरी बात करेंगे हम टीम लाइट यहाँ पे फिनिश हो चुकी है और टीम 19 यहाँ पे दो टीमें फिनिश होते हुए हमको देखने मिल सकती है। बात करेंगे हमें टीम ए, भाई यार कौन है भाई ये क्यों यार बस कर यार खड़ा हुआ था कि आप लोग इन तीनों मिलके इस पे चढ़ोगे तो वो तो इधर क्रॉस करेगा इसलिए मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ था और बंदा उधर से दरवाजे पे खड़ा हुआ था खड़ा है भाई खोटा नहीं है बंदा खड़ा सब कुछ खड़ा बोल रहे हैं। ठीक है हम चलेंगे थोड़ा सा नॉट बूचर्स वर्सेस यहाँ पे एक ड्रॉप क्लैश रोटेशन क्लैश जरूर हुआ है टीम 12 और टीम 14 के बीच में। यहाँ पे हम बात करें तो ट्रैक हो यहाँ पे फिनिश हो रखे हैं नॉक हो रखे हैं जिनको रिवाइव यहाँ पे देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 7SW के रजपूत और वेजिट दोनों के दोनों बंदे वहाँ पे हैं। बात करेंगे ज़्यादा बंदे हैं नॉट बूचर्स के जरूर पर ट्रैक को यहाँ पे फिनिश होना पड़ेगा रजपूत अपना किल इंस्टेंटली यहाँ पे फिनिश करेंगे कोई बैकअप यहाँ पे नहीं आ पाएगा। रजपूत की बात करें राशिश की बात करें तो यहाँ पे देख तो रहते रजपूत को माही तीन तो तीनों के तीनों सॉरी हिचकी आगे गई तीनों के तीनों बंदे यहाँ पे है अलाइव। टीम 21 की बात करें तो एक टीममेट इनका फिनिश जरूर हुआ है थ्री मैन स्क्वाड थे। चलेंगे हम थोड़ा सा टीम 9 1HP की जोकर के यहाँ पे 1HP की तरफ से जोकर अकेले अपनी टीम की तरफ से बचे हुए हैं। बात करेंगे इस साइड में तो टीम 18 के बंदे भी यहाँ पे नॉक पड़े हुए हैं। उसके बाद टीम 3 की बात करें तो यहाँ पे टू मैन स्क्वाड खेल रही है टीम 3 भी एक मिनट गाइस टू मैन स्क्वाड ही एक है टीम 3 ओके यहाँ पे फायर तो किया है फाइट एंगेज करना चाहते हैं टीम 3 यहाँ पे फाइट एंगेज करना चाहते हैं जरूर उस साइड में टीम 18 के बंदों का थोड़ा सा एक गलत बूम यहाँ पे हो रहा है किल चोरी। ओके अपने टीम के जो किल्स यहाँ पे सिक्योर किए जा रहे हैं बात करेंगे हम आखिरी बंदा यहाँ पे जो है बचेगा टीम 18 की तरफ से और भाई टीम 15 का भी वाइस से रोटेशन जा रहा है मार रहे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1HP गई ऑलमोस्ट यहाँ पे 1HP कर दिया है वहाँ पे पर अगर वहाँ पे सही टाइम पे सही जगह वहाँ पे ले ली और टीम 18 के बंदों ने जो कि ले लिए तो वो वहाँ पे दिक्कत जरूर करने वाले हैं। बात करें हम टीम 15 का भी अकेला बंदा गॉड 2 यहाँ पे फंसेंगे एक्चुअली यहाँ पे जो है तीन चार टीमों का फाइट क्लैश हुआ है यहाँ पे टीम 9 है यही पे टीम 18 भी है ओके अल्ट्रा ऑक्स यहाँ पे नॉक अभी भी नॉक पड़े हुए हैं उनको अभी तक बचाया नहीं जा सका है। टीम 3 की बात करें तो लास्ट मैच पोचिंग की में भी अर्ली एलिमिनेशन हुआ था और यहाँ पे भी अर्ली एलिमिनेशन 1v1 फाइट यहाँ पे मिस हो जाएगा यस मिस हो गया है 1HP जोकर जो कि यहाँ पे सोलो बंदे ने मैच यहाँ पे निकाले अपने टीममेट्स यहाँ पे दूर में है जरूर पर वहाँ पे 1v1 हारे नहीं किल्स निकाला है अपने टीम के लिए दिक्कत की वहाँ पे बात नहीं है। यहाँ पे जोन की बात करें तो जोन यहाँ पे आ चुका है हमारा दूसरा जोन यहाँ पे है दूसरा नहीं तीसरा जोन है ये एक्चुअली तीसरा जोन है अभी भी टीमें जो है जोन के अंदर नहीं आ पाई है बहुत सारी टीमें अभी भी प्ले जोन के बाहर है। यहाँ पे टीम 14 है उसके बाद टीम 21 है बात करेंगे हम टीम 16 इनको जोन में आना थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है क्योंकि जोन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर में है। डार्क साइडर की बात कर रहे हैं कि हेल्थ किट हर्ष के पास तो हेल्थ किट ही नहीं है और भाई गॉड हैम इनके पास भी एक ही हेल्थ किट है तो एक एक हेल्थ किट पे यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और जोन का डैमेज देखते हुए तो और भी थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलें देखने मिल सकती है। बात करेंगे थोड़ा सा टीम 8 के पास तो टीम 8 भी वहीं पे थी लाकोब्रिया में ही इनका ड्रॉप था वहीं पे इनका फाइट चल रहा था पर जो है वहाँ से फॉल बैक किया सही टाइम पे सही चीज़ अल्ट्रा ओपी 1v3 तो मैं 18 प्लस नहीं हूँ लियोनल ठीक है भाई ठीक है पर तू 18 प्लस कहाँ से हो गया 14 साल का निब्बा है तू 15 साल का सॉरी हाँ रुक जा तुझे देखता हूँ अब स्ट्रीम पे गाली देना अलाउड नहीं है वरना तुझे ना भर देता अभी यहीं पे। वही तो बात करेंगे बहुत सारी टीमें अभी जोन के अंदर एंट्री ले रही है 51 टीमें अभी भी 51 टीमें और 51 बंदे और 16 टीमें बची हुई लॉबी आज बहुत ही तगड़ा बना है T1 का। बात करेंगे टीम 13 अभी जोन के बाहर थोड़ा सा इनका फाइट सिचुएशन चल रहा है टीम 15 वर्सेस टीम 13 टीम 15 का आखिरी स्टैंडिंग यहाँ पे डस्टी बचे हुए जिसका भी यहाँ पे गाड़ी फूट के मौत हो सकता है गाड़ी यहाँ पे फायर्ड अप है पर निकल गए खुद पे यहाँ पे ट्रस्ट करा पर गाड़ी का फायर देखते हुए मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर यहाँ पे टिक पाएंगे।
ओके प्लाज्मा यहाँ पे, या ओके यहाँ पे डस्टी फाइनली गाड़ी फूट की, इनका हो चुका है मौत। बाकी इनका टीममेट की बात करें तो इनका टीममेट गॉड टू यहाँ पे कहीं दूर में है भाई, पूरा ही एक बंदा इस साइड में मर रहा है, एक बंदा इस साइड में इनका मर रहा है और गॉड टू यहाँ पे मर रहा है। प्रॉबेबली यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ना सही है, तभी तो नहीं ले रहा था इसी, मैं बोला था तो था चैट में, जान दो। चलो हम बात करेंगे सारी की सारी टीमें यहाँ पे जोन के अंदर। लॉस लियोनीज का थोड़ा सा जोन बन रहा है ऐसा हमको लग रहा है, पर लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। चलेंगे थोड़ा सा नीचे में, तो यहाँ पे टीम सिक्स जो कि लॉर्ड की टीम है, दो बंदे इनके भी फिनिश हो चुके हैं पर अभी तक किल्स उतने नहीं निकले हैं। दो बंदे की एजिलिटी के हिसाब से यहाँ पे 5 से 6 या फिर 7+ किल तो चाहिए थे, पर यहाँ पे दो बंदे ड्रॉप अपना अपना कंपाउंड डिफेंड करने में थोड़ा सा असफल हो सकते हैं, क्योंकि सामने से चार साइड से चार बंदे चढ़े तो देखने वाली साइड जो है हेल्प मारने वाली साइड जो है दो ही साइड होंगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत लॉर्ड की टीम को हो सकती है। चलेंगे हम थोड़ा सा आरवीएनसी का लाइनअप भी, यहाँ पे बाबा महाकाल इनसेन आरवीएनसी ऑस ओपी और जेट यहाँ पे है बैठे हुए, इनको भी यहाँ पे ये भी अपना कंपाउंड वहाँ पे सिक्योर कर रहे हैं। चलेंगे नीचे थोड़ा सा टीम 22 के पास, तो इन्होंने भी अभी तक फाइट नहीं लिया है, अर्ली फाइट यहाँ पे पूरी तरीके से इग्नोर करा है। चलेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, तो टीम 10 वर्सेस टीम 8 का हमको फाइट सिचुएशन जो है देखने मिल सकता है। ओके गाइस ठीक है गाइस, लेडीज को यहाँ पे मारने की कोशिश तो कर रहे हैं, 3 किल्स इनके भी हो चुके हैं। बात करेंगे हम थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे अभी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि नीचे की साइड टीम 8 वहाँ पे स्प्लिट में है, बंदे स्पॉट करना स्पाइडी के लिए थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है, क्योंकि हाइट एडवांटेज जरूर है पर कहीं पर देखे इससे पहले ही उनको यहाँ पे थोड़ी सी फाइट थोड़ी सी पड़ रही है। बात करेंगे हम पैंथर की, तो पैंथर को यहाँ पे बंदे स्पॉट कर रहे हैं जरूर, पर इनको भी यहाँ पे स्केलेटन जरूर मारे जा रहे हैं, दिक्कत यहाँ पे दे रहा है पूरा पूरा फायर यहाँ पे। गाड़ी अभी अपनी सिक्योर की जा रही है। बात करेंगे हम जोन के बाहर, यहाँ पे टीम 16 के बंदे मर रहे हैं, किल्स उतने नहीं हैं अभी तक और अपना एक बंदा इतना जल्दी फिनिश होना सही बात नहीं है। अब बात करेंगे हम गॉड हैंड बैंडेजेस लगा रहे हैं, यहाँ पे निकलना चाहते हैं जोन के अंदर, आना अभी थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। डार्क साइडर की बात करें तो डार्क साइडर ऑलमोस्ट जोन तक आ चुके हैं, 5 बैंडेज अभी भी है इनके पास जोन के अंदर, ये 5 बैंडेज जो इनको लेके जरूर आएंगे, पर लेट्स सी यहाँ पे। ओके नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट जोन के अंदर आ चुके थे पर माही पीछे से सरप्राइजिंगली अटैक करते हुए और यहाँ पे फिनिश लेंगे। बात करेंगे राशिश और माही, यहाँ पे अभी भी इनके एक भी किल्स नहीं है वहाँ पे और एक और बंदा यहाँ पे नॉक किया जा चुका है। हर्ष की बात करें तो हर्ष भी यहाँ पे नॉक होंगे जोन से, सारे के सारे बंदे इनके जा रहे हैं। हम बात करेंगे हम गॉड हैंड की, तो गॉड हैंड भी बिल्कुल यहाँ पे उम्मीदें छोड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ पागलपंती कर रहे हैं, हीलिंग नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे टीम 16 थोड़ा सा एक दर्दनाक मौत के साथ, मैं ही देयर सोल्स रेस्ट इन पीस। ठीक है गाइस, बेचारे बहुत लेट निकले यार, बहुत लेट निकले, कल स्ट्रीम ऑफ लाइट गया था, आज बूम बम, अभी भी लग गया था शौर्य लाइट, आ गया वापस वो, फिर हमने रिज्यूम कर दिया स्ट्रीम। देखो थोड़ा ऊपर जाके मैसेजे देखो मेरे, मैं दे वेलकम टू स्ट्रीम। ओके तो रेड एक्स लास्ट मैच में एक बहुत बढ़िया चिकन डिनर निकाला था इन्होंने और हम यहाँ पे इनकी तारीफ करना भूल गए और इनको बाजू से, ओके इनका ही टीममेट है, हमको लगा कोई और टीममेट है और दर्पण के एंगल से देखेंगे और एक बहुत बढ़िया नॉक यहाँ पे दर्पण ने निकाला है अपनी टीम के लिए और पहला प्रॉब्ली ओके पहला नहीं यार दूसरा फिनिश अपने टीम के लिए निकाला है। बात करेंगे टीम 17 के, दो बंदे यहाँ पे इनके इंस्टेंटली फिनिश कर दिए गए हैं रेड एक्स की तरफ से और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और वहाँ पे क्लच जो है दर्पण की तरफ से हमको देखने मिल सकता है सामने की साइड भी, वहां पे रेड एक्स, भाई रेड एक्स क्या, कितना रेड एक्स है भाई। ओके आईएनवी की टीम है यहाँ पे,
एनवी रांगो ग्लॉकी ग्लॉकी और रांगो यहाँ पे फिनिश होते हैं। क्रिश और फैंटम दो ही बंदे अलाइव रहेंगे, पर फॉल बैक करना है या फाइट लेना है ये डिसीजन है। लॉबी की बात करें तो लॉबी आज बहुत ही भयंकर, दोनों के दोनों मैचों में लॉबी बहुत बढ़िया बना है भाई। गाइस लॉबी भाई लॉबी एक बढ़िया लॉबी है ना गाइस, आप लोग ही बनाते हो, हम लोग नहीं बनाते, हम लोग सिर्फ आप लोग को मैनेज करते हैं। अभी अगर हम लोग आपको ड्रॉप देंगे नहीं, ठीक है, आपके ही ड्रॉप में से हम आपको ड्रॉप सिलेक्ट करके देंगे नहीं, तो आप कहीं पे भी उतर जाओगे, और कहीं पे भी उतर जाओगे तो भाई हर जगह एक एक जगह भी ड्रॉप क्लैश हो जाए ना तो भी आधी टीमें वहाँ पे फिनिश हो जाती है। ऐसा है एक्चुअली, एक एक हॉट ड्रॉप पे दो दो टीमों में भी एक टीम फिनिश हो जाए तो वहाँ पे खत्म हो जाते हैं, लॉबी खत्म हो जाती है। ओके चलेंगे हम थोड़ा सा टीम 17 यस प्रोबेबली वहाँ पे टीम 17 फिनिश हो चुकी है। चलेंगे थोड़ा सा टीम 13 के पास, तो टीम 13 वर्सेस टीम 9 यहाँ पे फाइट सिचुएशन। यस एक बंदा उनका वन शू को यहाँ पे नॉक कर दिया है, प्लाज्मा यहाँ पे हील कर रहे हैं। बात करेंगे हम क्रेजी, इनका टीममेट्स बहुत ज़्यादा दूर में है, हेल्थ किट होते हुए भी नहीं यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, प्रॉब्ली यहाँ पे डिसकनेक्टेड है और वही यहाँ पे इशू हो गया टीम 9 का। तो 6-6 हेल्थ किट लेके बंदा ऐसे ही आप फिनिश होगा, किसने सोचा था, और टीम 9 की इसी के साथ जोन के कारण मौत हो चुकी है। चलेंगे हम थोड़ा सा टीम 13 के पास, तो इनको यहाँ पे दो किल्स मिले, पर जोन के अंदर जाना अभी भी बाकी है। बात करेंगे लॉबी, यहाँ पे लॉस लियोन्स का जोन बना है, लॉबी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, 40 बंदे इत्तु से जोन में अभी भी 40 बंदे सर्वाइव कर रहे हैं और 14 टीमें हैं गाइस। एक हाई लेवल टूर्नामेंट जैसा लॉबी आज जो है आरवीएनसी के T1 में हमको जो है देखने मिला है। अरे लॉबी एक्चुअली शौर्य हमने बनाया है, ठीक है, किसी को बताना। हाँ देखा ऐप सीन हो रहा है आपके साथ, अरे ठीक है ना, ले लेंगे भाई इन्वर्टर ले लेंगे, थोड़े दिन में ले लेंगे। सेव कर रहे हैं अभी, एलगाटो के लिए सेव कर रहे थे, पर एलगाटो से मुझे लग रहा है इन्वर्टर ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है। दोनों का प्राइस रेंज सेम ही आता है, 14-15 हज़ार। हाँ ना शौर्य, अरे स्लॉट लिस्ट ड्रॉप लिस्ट, स्लॉट लिस्ट में से ना ड्रॉप लिस्ट बनाना होता है, जो बंदे होते हैं ये अपने दो दो ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं उसमें से हम उनको ड्रॉप देते हैं, तो मैंने सबको आज ऐसे ड्रॉप दे दिए कि ड्रॉप क्लैश होगा ही नहीं बंदों का, समझे, और हुआ ही नहीं ड्रॉप क्लैश और बहुत भयंकर लॉबी बन गई। यही ये लॉबी इतना सुटेबल है ना टूर्नामेंट के प्रैक्टिस के लिए, आरवीएनसी का T1 लॉबी बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बंदे इतने, पर पता है बंदे कहाँ पे हकते हैं, बंदे ड्रॉप क्लैश करते हैं बहुत, बंदे बहुत, सबके सब बंदे बहुत अच्छे हैं, सबका गन पावर भाई एक नंबर का गन पावर है। ड्रॉप क्लैश करते एक दूसरे को मार मुरते और फिर हमको आके बोलते भाई लॉबी नहीं था, एंड में इतने से बंदे। ओके तो नॉट बूचर्स अभी भी यहाँ पे अलाइव है, सोलो बंदा है, सोलो किल है, लास्ट मैच में अच्छे खासे किल्स आए थे, पोजीशन भी अच्छा खासा था, पर इस मैच में थोड़ा सा किल्स नहीं आए हैं उतने। चलेंगे हम थोड़ा सा, ओके टीम 23 यहाँ पे आरवीएनसी रेवनक्लॉ स्पोर्ट्स का ही यहाँ पे जो है लाइनअप है, इनके पास भी अभी तक कोई भी भाई किसी के पास किल नहीं है तो बंदे मर रहे हैं कैसे भाई, किसी टीम के पास खास किल्स नहीं है, इनके पास 3 है, इनके पास 0, टीम 7 के पास 1, टीम 8 के पास 1, टीम 10 के पास 3, इनके पास भी कुछ खास नहीं, 5 ही किल्स है, नॉट बूचर्स के पास 1 ही किल है, टीम 5 के पास 2 किल है, टीम 17 के पास 3 किल है, टीम 20 के पास किल ही नहीं है, टीम 21 के पास भी 2 किल है भाई, मोस्ट बंदे बता जोन से ही मरे, जोन से ही 2-3 टीमें जोन से उड़ गई है। तो अभी भी यहाँ पे हमारा पांचवे मतलब छठे जोन में गाइस लॉबी देखो, छठे जोन का लॉबी देखो भाई, यू आर मल्टी टैलेंटेड, अ बेस्ट एसल्टर, अ बेस्ट ओपी कॉस्ट्रो, 18 सपोर्टर, थैंक यू। ओके गाइस ठीक है, चलो बंदे टीमें जो है बैन होना चालू हो गई वहाँ पे ग्रुप पे, ठीक है चलते हम थोड़ा सा यहाँ पे, अरे ये क्लोज में ना
ड्रॉप ओपन होता है पता है, हम जल्दी से स्पेक्टेट नहीं कर पाते हैं। दे दो टीमर पे ऊपर क्लिक कर रहे हैं और ड्रॉप के ऊपर क्लिक हो रहा है। और टीममेट अभी अभी जस्ट यहाँ पे दो बंदों को फिनिश किया है इन्होंने, यासिर यहाँ पे या टीम एट, क्या नाम है टीममेट का, ओके D4S की टीम है यहाँ पे। इन्होंने भी बूम बम यहाँ पे चालू कर दिया, किल्स निकालना चालू कर दिया। चलेंगे थोड़ा सा हम अर्नव के पास, तो अकेले अर्नव है अपनी टीम की तरफ से। दो बंदे इनके सामने ही वहाँ पे हलचल कर रहे हैं लॉर्ड की टीम के, यहाँ पे दो बंदे हैं उनको जरा सा भी वो नहीं है कि यहाँ पे बंदे हो सकते हैं, क्योंकि अर्नव वहाँ पे बिना फुटस्टेप दिए अंदर में बैठे हुए यहाँ पे स्मोक करके लूटने की कोशिश है शायद से, क्योंकि टीरेक्स ऑफिशियल की टीम यहाँ पे देख रही है बंदों को। ओके टीरेक्स ऑफिशियल भाई, ये टीरेक्स वाला बंदा अपनी टीम छोड़ के कहीं और खेलता है। रेड एक्स के भी बंदे हैं इस मैच में, ये टीम में खेल रहे हैं, बाकी ऊपर के दो बंदे रेड एक्स के इस मैच में खेल रहे हैं। हमको समझ नहीं आता कौन सा टीम कहाँ पे कौन से बंदे, भाई ये लोग क्वेरीज ग्रुप में से एक दूसरे के नंबर शेयर करते हैं और डीएम खेलते हैं फिर। ओके रेड एक्स टीम लास्ट मैच में एक बहुत बढ़िया चिकन डिनर लिया है इन्होंने, और भाई ब्लेज यहाँ पे अपने टीममेट को बचाने में थोड़ा सा असफल रहे हैं। करेंगे थोड़ी सी बात हम, दर्पण भी यहाँ पे नॉक पड़े और दर्पण भी यहाँ पे कहीं ना कहीं फिनिश हो सकते हैं, क्योंकि जोन वहाँ पे निकल लिया है ब्लेज अपनी टीम की तरफ से अकेले। ओके ब्लेज और हागी मारू सिर्फ और सिर्फ दोनों ही बंदे के बीच, दर्पण तो जोन से इनका कटने वाला है, जोन के अंदर एंट्री लेते लेते यहाँ पे बचेंगे जरूर, पर बाजू में ही इनके उसी बिल्डिंग में प्रॉबेबली टीम 20 है और उसके साथ यहाँ पे फाइट लेना पड़ेगा। बात करेंगे जोन यहाँ पे कितनी सा जोन है, क्या हमको आज यहाँ पे हेल्थ किट वाला हिल फाइट इस जोन में देखने मिलेगा गाइस। यहाँ पे पूरा क्लोजिंग टीम 4 यहाँ पे इसी के साथ फिनिश होती हुई टॉप 6 के पोजीशन पे टीम 4 फिनिश हुए। लास्ट मैच चिकन डिनर निकला था इस मैच में जो है टॉप 6, और किल्स मेरे ख्याल से आए हैं कुछ 4-5 किल्स थे, ओके 4 ही किल्स हैं। ठीक है गाइस, पहला मैच इतना अच्छा गया, दूसरे मैच में भी अच्छे पॉइंट्स निकले, तो टॉप पे कहीं ना कहीं ये टीम जरूर रहने वाली है। बात करेंगे अब लॉर्ड की टीम की, अभी भी विपुल अपनी टीम की तरफ से अकेले बचे हुए हैं। ऊपर की साइड यहाँ पे टीरेक्स की भी टीम है, तो प्रॉब्ली दो लाइनअप खेल रहे हैं रेड एक्स के, पता नहीं ये रेड एक्स अलग हो सकती है वो रेड एक्स भी। एक मिनट, टीम 4 और ये कौन सा रेड एक्स है, टीम 7 है ना, ओके टीम 4 रेड एक्स है और टीम 7 टीरेक्स है, पर टीरेक्स में ये रेड एक्स वाले बंदे कहाँ से आ गए भाई। ओके नेवर माइंड, यहाँ पे टीम 10 का अकेला बंदा फिर रहा है, 4-4 और 8 टीमेट के 4-4 बंदों से, और डीजे डॉन एक बहुत बढ़िया 3 किल्स अपने टीम के लिए निकाले और बाकी किल्स इतने नहीं है, और स्केलेटन ऊपर से वहाँ पे टीरेक्स ऑफिशियल की तरफ से पड़ी है जरूर। टीरेक्स की किल की बात करें तो अच्छे किल्स निकले ये मैच से, 6 किल्स इन्होंने निकाले। हेलो अनमोल, वेलकम टू द स्ट्रीम। ओके वहाँ पे ओपन से एक बंदा क्रॉस कर रहा है और टीरेक्स ने एक ने उसी टाइम पे एक नेड खींचा, तो इजी वहाँ पे ले सकते थे एक बंदे को, यहाँ पे इजीली एक नॉक दे देंगे, यस यहाँ पे इंस्टेंटली नॉक। फ्यूरी भी उसी साइड से जोन के अंदर एंट्री ले रहा है, पर स्मोक के कारण वहाँ पे दिख नहीं रहा है। एक और ब्यूटीफुल नॉक कारण से, और मेरे ख्याल से 2-3 बंदों को वहाँ पे इन्होंने ले लिया एक स्प्रे के अंदर। नीचे में वहाँ पे एक नेड फेंकना चाहेंगे जरूर, एक ओके 4v2 वाला सिचुएशन यहाँ पे, नेड वेड फेंक रहे हैं और भाई नेड रिफ्लेक्ट करवाने की सोच तो रहे हैं यहाँ पे, पर यस एक बहुत बढ़िया नॉक दिया है जरूर। यहाँ पे आखिरी बंदा फ्यूरी थॉर बचेगा, एक बंदे को नॉक, नहीं यहाँ पे एक को भी नॉक नहीं दे पाए, और एक बहुत ही बढ़िया चिकन डिनर टीरेक्स ऑफिशियल लेके जाएगी। 9 और 4 13 किल्स निकाले ये लोग। जैसे बंद मार गए हाँ ना, वो देखने आते हैं बंदे देखने आते हैं, भाई हमारा दिखा है क्या, भाई हमारा दिखा है क्या भाई वो मैच में, पहले मैच में भाई बहुत बढ़िया क्लच की है भाई उसने दर्पण इज लाइव वाले टीम ने। इसको थोड़ा सा चबा दे अभी, रुको सोच रहे ना एमुलेटर पे एक अलग ही आईडी बना ले। हेलो सर, बिग फैन, हेलो सर जी, कैसे हो सर? मैं बढ़िया, आप कैसे?
बढ़िया बढ़िया हो गया खाना हो गया। खाना? अरे हाँ इतना जल्दी खाना कौन खाता है? ब्रेकफास्ट नाश्ता होता है ना शाम का, वो कर लिया। अच्छा 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 हाँ मैंने आज नाश्ते में क्या खाया पता है क्या? मुर्गी चाइनीज लियोनाल कबाब चाइनीज सॉरी 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 लियो सॉरी सॉरी मैं कह रहा था चाइनीज भेल खाई मैंने बताया। चाइनीज भी सॉरी यार लियो मैं मेरे को तुझे बोलते चिढ़ा नहीं रहा बना हूँ, मैं देता है यार आप भी। सॉरी यार मैं तुझे चिढ़ा रहा हूँ यार, सॉरी यार। अरे क्यों ही ना भाई, पॉपुलेट देने वाला था बच्चे कल हो क्या? मुझे, सॉरी बोल। पॉपुलेट देने वाला था कल, अरे अभी नहीं है ना। अभी अच्छा नहीं। अभी मैं मैच खेल रहा हूँ, ठीक है अभी आप खेलो, नेक्स्ट मैं मैच भी कितने जा बजे? रहा आज हूँ। नहीं, अभी नहीं, अभी खत्म, बंद कर रहा हूँ स्ट्रीम। चल लियो, बाय मैं बाय। जा रहा हूँ, ठीक है अभी, बाय बाय। चलो गाइस स्ट्रीम को हम भी करते हैं बंद, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड बाय बाय एंड टेक केयर।